हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवर टूडेज टॉपिक इज वर्टिब्रेटा। आज हम वर्टिब्रेटा के डिविजन्स पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा के डिविजन्स में एक डिवीजन होता है एग्नाथा एंड सेकंड डिवीजन इज गनाथोस्टोमेटा। गनाथा का मींस होता है ए, का मींस होता है विदाउट, एंड गनाथा मींस जो। ऐसे फिशेज या ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि बिना जो के हैं, जिनके अंदर की मुंह के अंदर कोई जो नहीं है, उसको हम एग्नाथा में रखेंगे। और गनाथोस्टोमेटा में हम उनको रखेंगे जिनके माउथ की, यहाँ पे स्टोमेटा से लिया इन्होंने, माउथ की ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग होती है स्पेशल, उसको हम स्टोमेटा कह देते हैं। इस यहाँ पे माउथ से लिया इन्होंने मींस, और गनाथो का मींस होता है जो। ऐसी वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर जो होता है एक स्पेशल ओपनिंग के अंदर फिक्स होता है, उसको हम गनाथोस्टोमेटा कहते हैं। एग्नाथा के अंदर जो क्लास रखी गई है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर बेटा जो इसके एग्जांपल है वो है लैम्प्रे एंड हैग फिश। फिश जो होती है, एक तरह की फिश है ये भी साइक्लोस्टोमेटा में, लेकिन जो लेस फिश है। देखो बेटा, मैंने लैम्प्रे की फोटो बनाई है यहाँ पे। लैम्प्रे में अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसका माउथ होता है और इसमें जो नहीं है। देखो माउथ, ये इसका माउथ है, माउथ में कहीं भी टीथ लगे हुए हैं। ये जो वी शेप की दिखाएं, ये टीथ है, कहीं पे भी टीथ लगे हुए हैं। विदाउट स्केल, इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह के कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी आप देख रहे हो, इलोंगेटेड ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, ऐसी लंबी सी बॉडी होगी इनकी। ओनली अनपेयर्ड फिन्स, देखो हमको ये जो दिखा रखी है जो लेस वर्टिब्रेट्स, टेरोमाइजोन, पी यहाँ पे साइलेंट रखेंगे, टेरोमाइजोन भी कहते हैं हम इसको, जोलेश फिश है ये। लैम्प्रे की ही फोटो बना रखी है, इसमें देखो इन्होंने अनपेयर्ड फिन्स है, मतलब ऊपर एक फिन दिखा रखा है, नीचे कहीं दिखा रखा है फिन, ऊपर एक फिन है, नीचे कहीं फिन नहीं है। ये देखो, ये एनल फिन है, पैल्विक फिन है, ये सारे फिन्स ऊपर ऊपर है, लेकिन नीचे की तरफ कोई फिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिसलास्ट वाला फिन एक पेयर्ड है, उसके अलावा कोई पेयर्ड फिन नहीं है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ओनली अनपेयर्ड फिन्स होते हैं इसमें। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं, ये गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, दीज आर गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स क्या करते हैं, इनके ऊपर जब, जैसे ये पानी के अंदर रहती है ना, जैसे ही पानी इसके ऊपर आता है तो ये पानी के अंदर से डिजोल्व ऑक्सीजन ले लेते हैं, और फिर गिल्स का काम क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेना, और गिल स्लिट का काम होता है उस पानी को बाहर निकाल देना। गिल्स का काम होता है पानी को ले, पानी में से ऑक्सीजन को लेना, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेना, और गिल स्लिट्स दिखा रखे हैं ना जो, ये गिल स्लिट्स का काम होता है पानी को वापस भेजना शरीर से समुंदर के अंदर, ठीक है। बोन इज नॉट प्रेजेंट, पूरी कार्टिलेज की बनी होती है, कहीं पे भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। वर्टिब्रल कोलम जो होते हैं इसके कार्टिलेज के बने होते हैं। प्रोड्यूस बेबी इन फ्रेश वाटर, इसका सबसे बड़ा क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर बेबी प्रोड्यूस करती है। रहती तो ये समुंदर के अंदर है, लेकिन ये फ्रेश, जब इसको स्पॉनिंग करनी होती है, स्पॉनिंग मीन्स, यहाँ पे देखो एक टर्म दे रखी है, स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, जब भी इसको स्पॉनिंग करनी होगी तो ये फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट कर जाती है और वहाँ पे जाके बेबी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मेरीन एनवायरमेंट टू फ्रेश वाटर। ये मेरीन से जाती है ना, समुंदर से जाती है फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन के लिए, इसको हम कहेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो हम पाइसिस पढ़ेंगे, पाइसिस, इसके बाद हम वैसे कोंड्रोक्लीज पढ़ने हैं हमने, लेकिन हम पाइसिस के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जिससे हमको वो पढ़ना ईजी हो जाएगा। देखो मैंने एक नॉर्मल फिश दिखाई है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस फिश के जैसे नॉर्मल फिश है जो, उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इसकी, ठीक है। फिश हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, दोनों टाइप के फिन्स होते हैं इसमें, पेयर्ड भी होते हैं अनपेयर्ड भी। देखो ये पेक्टोरल फिन है इसका, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला है इसका पैल्विक फिन। ये जो पेक्टोरल फिन है ना, ये आगे भी होता है, इसी तरह से बैक साइड पे भी होता है, ठीक है, टू होते हैं। ये है इसके डोर्सल फिन, ये वाले डोर्सल फिन है, ये ओनली वन प्रेजेंट है। तो इसमें पेयर्ड भी हैं और अनपेयर्ड भी हैं प्रेजेंट फिन्स, लेकिन उसमें सिर्फ अनपेयर्ड ही होते हैं, पेयर्ड बिल्कुल चांस नहीं होते कि पेयर्ड फिन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, देखो इसमें जो होता है ना कॉन्ड्रिकटाइटिस का मतलब, ये देखो हम पाइसिस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्ड्रिकटाइटिस की बात कर रहे हैं। कॉन्ड्रिकाइथियस के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जिसकी बात कर रहे हैं, सारी की सारी जो होती है ना बॉडी इसकी, जो कार्टिलेज से बनी होती है, बोन्स एब्सेंट होती हैं। जैसे हम इसमें बात करेंगे शार्क की, कार्टिलेजियस स्केलेटन होता है शार्क का, ठीक है। अब देखो
दे आर मराइन एनिमल्स। देखो मरीन वाटर में होते हैं। ये शार्क की फ़ोटो दिखा रखी है आपको, दिस इज़ ए शार्क, ये मरीन वाटर के अंदर होती है, ठीक है। दे हैव कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसमें, अंदर की तरफ होता है स्केलेटन। माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली, ये देखो वेंट्रल माउथ है, देखो यहाँ पे इस तरह से होता है। ये बना के दिखाऊँ मैं आपको एक वेंट्रल माउथ, देखो शार्क की फ़ोटो अगर हम बनाएंगे तो हम ऐसे बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं वेंट्रल माउथ, है ना, ऐसे बहुत लंबी सी होती है ना, तो ये वेंट्रल माउथ है। यहाँ पे इसके क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको टीथ क्या होते हैं। ये मराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकोड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। देखो इसके अंदर कॉन्ड्रिक्टाइसिस में नोटोकोड भी प्रेजेंट होगी और वर्टीब्रल कोलम भी प्रेजेंट होंगे, अभी तक बोन्स आई नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे तो होती, यहाँ पे तो जॉलेस है, सब कुछ अलग ही है फीचर, यहाँ पे भी अभी नोटोकोड ही है, नोटोकोड के साथ साथ वर्टिब्रल कोलम भी आ गए हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होंगी कॉन्ड्रिक्टाइटिस में। तो इसमें लिखे नोटोकोड इज परसिस्टेंट, मतलब हमेशा बनी रहेगी, ऐसे नहीं है कि वर्टिब्रल कोलम आ गए हम वर्टिब्रेट्स में हमने इसको रख दिया, वर्टिब्रल कोलम आ गए तो नोटोकोड हट जाएगी, नहीं, नोटोकोड हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और उसके बाद है गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम। देखो यहाँ पे ये जो शार्क होती है ना, इसके यहाँ पे गिल स्लिट्स दिख रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। अदरवाइज कोई भी आप ले लो, फिश ले लो, उसके आपको गिल्स दिखेंगे नहीं, गिल्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं। जैसे इसके ऊपर अगर हम येलो कलर कर दें तो येलो कलर की फिश है, उसके अंदर गिल्स हैं, गिल्स आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पे। इसके बाद है कि इसमें क्या होता है, गिल्स स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गिल्स स्लिट्स दिख रहे होते हैं। नॉर्मल फिश में हमको कोई गिल्स स्लिट नहीं दिखता, इसके अंदर गिल्स स्लिट्स दिखेंगे। आप शार्क की और गूगल पे फोटो निकाल के देखना, आपको साइड पे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने इस तरह से पंजा मार ऐसे ऐसे करके खुर्च दिया हो इसकी बॉडी पे, ठीक है। गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम, मतलब इसका कवर नहीं होता, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, ठीक है। फिर है द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल क्या होते हैं बेटा, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ना इस तरह से ना त्रिशूल जैसे स्केल्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इनकी जो शेप अगर हम इसको देखते हैं ना, तो इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से दिखती है हमको, त्रिशूल जैसी होती है, इसको हम कहते हैं प्लेकोइड स्केल, ठीक है, प्लेकोइड स्केल। इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे प्लेकोइड स्केल एक के ऊपर एक होते हैं, जो कि हमको दिखते नहीं हैं, विजिबल नहीं होते, क्योंकि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको इसको प्लेकोइड स्केल दिखते हैं। और जो इसके टीथ होते हैं ना, जो हमको शार्क के टीथ नज़र आ रहे होते हैं, वो भी प्लेकोइड स्केल ही है, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल हैं जो कि इसके टीथ बन जाते हैं, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल विद विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, बैकवर्ड होते हैं। मान लो इसके पास कोई शिकार आता है तो ये उसको अपने अंदर होल्ड करके रखती है, तो करके बैकवर्ड इसकी टीथ होते हैं। देर जोज आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल जोज होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस मतलब शिकारी होते हैं, ये किसी भी शिकार को पकड़ के इसको खा लेते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इसके अंदर नहीं होते हैं। एयर ब्लैडर का मतलब होता है, मान लो कोई फिश है वो यहाँ पे घूम रही है, ठीक है, ये समुंदर का बॉटम है, यहाँ पे घूम रही है, अब उसको चाहिए कि मैं ना समुंदर के ऊपर ऊपर यहाँ पे चली जाऊँ, ठीक है। मान लो इस पूरा समुंदर है, इसके नीचे नीचे घूम रहे हैं, अब उसको चाहिए कि मैं यहाँ पे समुंदर के ऊपर चलूँ, तो ये क्या करती है, अपने एयर ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर क्या होता है, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है, इसके पास एयर ब्लैडर होती है, ये हवा भर लेती है, हवा भर के क्या करेगी, धीरे धीरे यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, समुंदर के ऊपर वाले हिस्से में, वहाँ पे तैरना स्टार्ट कर देगी। तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, एयर ब्लैडर जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। नॉर्मल फिश की बात करी थी तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट थे, इसके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ये डूब जाएंगी, है ना। इसके बाद है जो इसका हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। जब शार्क की बात करें, शार्क के अंदर जो हार्ट है बेटा टू चैम्बर है, सम ऑफ देम हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है, सभी वैसे फिशेस के अंदर हार्ट टू चैम्बर्ड ही होता है, सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। अब देखो कुछ एक तो ऐसे खतरनाक हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ट्रिपोइड, इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने क्या किया है, कुछ ऑर्गन्स डेवलप कर लिए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन का मतलब, जब भी ये किसी शिकारी को पकड़ ले तो जो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देती हैं, ठीक है। सम पॉजिस पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग का मतलब जैसे ट्राइगोन, ट्राइगोन एक ऐसी फिश है जो कि किसी को जहर का इंजेक्शन लगा देती है अपने मुंह से, ठीक है। दे आर कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढाल लेते हैं। जैसे मान लो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर में चले गए तो इनके ब्लड जो है ना वो 0 डिग्री हो जाएगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ऐसा नहीं होता ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो 37 ही रहता है, अगर बढ़ जाता है तो मतलब फीवर आ जाता है, ठीक है, बुखार हो जाता है हमें। इनकी बॉडी जो होती है कोल्ड ब्लडेड है, हम लोग वार्म ब्लडेड है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। मेल इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। क्लैस्पर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे बना के दिखाती हूँ मैं आपको। क्लैस्पर क्या होता है, जैसे सपोज ये फिश है ना, ये शार्क थी ना, ये शार्क थी, तो यहाँ पे इसके क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर क्या होते हैं बेटा, एक क्लैस्पर क्या होता है, एक तरह का फिन ही है, ठीक है, एक तरह का फिन है जो क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म रिलीज करेगा, कहाँ पे, फीमेल के अंदर, ठीक है। जैसे पीनस होता है ना मेल्स में, वो स्पर्म रिलीज करते हैं फीमेल के अंदर, सेम ऐसे ही मेल शार्क के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल शार्क अलग अलग होती है ना, तो मेल शार्क के अंदर क्लैस्पर्स फिन्स होते हैं जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर जाके स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, ओके। इसके बाद है इसमें दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा जब किसी के अंदर जाके स्पर्म रिलीज करते हैं, तो किसी फीमेल के अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और ये वीवीपेरस होते हैं, मैनी ऑफ देम आर वीवीपेरस, सब ज़्यादातर एगलेज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं डॉग फिश। डॉग फिश क्यों लिखा है, स्कोलियोडोन को डॉग फिश बोलते हैं, बिकॉज इनकी जो सेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, डॉग जैसी सेंसेस होती हैं, ठीक है। प्रिस्टिया इसको सॉ फिश भी कहते हैं। कॉर्कोरोडन ये है ग्रेट वाइट शार्क को कहते हैं, और ट्राइगोन जो है स्टिंगरे, स्टिंगरे इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है स्टिंगरे, ठीक है, जो कि किसी को भी जहरीला स्टिंग कर देती है, जहर जहर का स्टिंग मार देती है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक।